न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया है। पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए जॉन की ने राजनीति छोड़ने का यह सबसे सही वक्त बताया है। करीब 8 साल तक सत्ता में रहने के बाद जॉन की ने अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि संसद में वह बने रहेंगे ताकि उनकी संसदीय सीट पर उपचुनाव नहीं कराना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जॉन की ने कहा कि यह बेहद कठिन फैसला है और मुझे नहीं पता कि अब मैं आगे क्या करूंगा। जॉन की माने तो उन्होंने पारिवारिक कारणों की वजह से इस्तीफा दिया है। इसके साथ ही वह हमेशा नई प्रतिभा को आगे आते देखना चाहते हैं। दरअसल उनके बालिग हो चुके बच्चों को अपने पिता के जॉब के चलते बेहद दबाव और दखलअंदाजी का सामना करना पड़ता है। इस दौरान की ने इस्तीफा देते हुए इस बात की तरफ इशारा भी किया कि अब वह अपना वक्त पत्नी और परिवार के साथ बिताएंगे। आपको बता दें कि 55 वर्षीय जॉन की 2008 को न्यूजीलैंड के 38वें प्रधानमंत्री चुने गए थे। बहरहाल नेशनल पार्टी कॉकस 12 दिसंबर को मीटिंग करेगी और उसी दिन नए पार्टी लीडर और नए पीएम का चुनाव होगा। परिवार के लिए प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देना वाकई अपने आप में एक बड़ी बात है। बहरहाल जॉन की के इस्तीफे के बाद अब बिल इंग्लिश को देश के नए पीएम के तौर पर देखा जा रहा है। देखते रहिए डीबी लाइव।